धारावाहिक देख रहे हैं आप। एक सवाल जो सभी के मन में है, क्या धर्म के नाम पर देश में कुछ उपद्रवियों के द्वारा उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर क्या देवी देवताओं का नाम लेने वालों के खिलाफ उपद्रवी ने रची है साजिश। जी हाँ, रामनवमी के अवसर पर देश में निकाली गई शोभा यात्रा और नवरात्र के बाद विसर्जन कई क्षेत्रों में हिंसा रूप ले चुकी है। जी हाँ, ये जो चीजें हुई ये कई क्षेत्रों में हिंसक रूप ले चुकी है। दरअसल भगवान राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन कई उपद्रवियों ने इनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बिहार के दो जिले रोहतास और नालंदा में हिंसक झड़प की खबरें आई है। सिर्फ नालंदा के बिहार शरीफ में 6 लोगों को गोली मारी गई है, गोली लगी है, जबकि पत्थरबाजी में 9 लोग घायल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी बवाल देखने को मिला। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक धर्म निरपेक्ष देश में क्या किसी बड़े त्योहार पर बवाल और हिंसा उचित है? बता दें कि बिहार के सासाराम में नवरात्रि विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद इंटरनेट अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सासाराम पहुंचे शाहबाद की DIG नवीन चंद्र झा ने कहा कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। वहीं इसकी वजह से अमित शाह का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम आने वाले थे, लेकिन बिहार सरकार ने धारा 144 लागू की है, ऐसे में हमें इस कार्यक्रम को रद्द करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात के बीच हम इस तरह का आयोजन कैसे कर सकते हैं। सासाराम के साथ ही CM नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ में भी बवाल हुआ। यहाँ भी धारा 144 लागू कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए नालंदा के DM और SP मौके पर कैंप कर रहे हैं। मामला बड़ा है, इसलिए पटना से डिविजनल कमिश्नर कुमार रवि और रेंज IG राकेश राठी खुद बिहार शरीफ पर नजर बनाए हुए हैं। ADG मुख्यालय ने बताया कि पुलिस की नजर अफवाह फैलाने वालों पर भी है। इस तरह बिहार में फैले उन्माद पर नकेल कसने के लिए प्रशासन एक्टिव है और उपद्रव में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर दोनों जगहों पर कैंप किए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उपद्रव हुआ क्यों? जाहिर सी बात है कि एक ऐसे उन्माद को रोकने के लिए प्रशासन से ज्यादा हमें जागरूक होना होगा और हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी भारत शांति के दूत बन पाएगा। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।